और अब खबर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां कल नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा मौजूदा विधायकों का टिकट काटा। महाराष्ट्र में उम्मीदवारों का समीकरण क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नामांकन की तारीख खत्म होने के बाद भी एमवीए और महायुति में कई सीटों पर कंफ्यूजन बरकरार है। नामांकन की तारीख खत्म होने के बाद ये बात भी सामने आई है कि बीजेपी और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा विधायकों के टिकट काटे हैं। बीजेपी 8, कांग्रेस ने 5 विधायकों को टिकट नहीं दिया है। एनसीपी अजीत पवार गुट और शरद गुट ने 2-2 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने 2 विधायकों सभी सिटिंग एमएलए को टिकट दिया है। महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के उम्मीदवारों की सही संख्या भी पता नहीं लग पा रही है। कई जगह 2-2 उम्मीदवारों को उतारा गया है। नामांकन खत्म होने के बाद महायुति में बीजेपी सबसे ज्यादा 152 सीटें चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने अपने खाते से 4 सीट अपने छोटे सहयोगियों को दी है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने 85 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि एनसीपी अजीत पवार गुट के 52 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इस आंकड़े को अगर जोड़े तो 289 सीट तक पहुँच जाता है। विधानसभा में कुल सीट 288 है और चुनावी मैदान में 289 उम्मीदवार। ऐसा ही हाल महाविकास अघाड़ी में भी है। महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा 102 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़े किए हैं। शिवसेना उद्धव गुट के 89, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट के 87 प्रत्याशी ने नामांकन किया है। 13 सीटें सहयोगी दलों को दी गई है, यानी कुल मिलाकर एमवीए ने 291 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। दरअसल 3 सीटों पर इसी गठबंधन के दल आमने सामने आ गए हैं, इसलिए 288 का आंकड़ा 291 पर पहुँच गया है। इस आंकड़े से साफ है कि एमवीए और महायुति के कुछ सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। खबर ये भी है कि महाविकास अघाड़ी में 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, जहां गठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के सामने मैदान में डटे हुए हैं।